उत्तराखंड के चमोली में आई आपदा में अब तक 50 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। तपोवन में एनटीपीसी सुरंग में 5 और इसके बाहर से 2 शव बरामद किए जा चुके हैं। आशंका जताई जा रही थी कि सुरंग के अंदर करीब 35 लोग फंसे थे। इसके अलावा पूरे इलाके से अब तक 154 लोग लापता हैं। सुरंग के अंदर बचाव कार्य पिछले 9 दिनों से लगातार जारी है, लेकिन भारी तादाद में मलबा जमा होने के चलते रेस्क्यू की रफ्तार धीमी है। अभी तक 140 मीटर तक मलबा साफ किया जा चुका है। सुरंग के अंदर ड्रिल करके भी फंसे हुए लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसमें अभी तक कामयाबी नहीं मिली है। तबाही वाले दिन सैलाब में पुल बह जाने से मलारी समेत कई गांव का संपर्क जिले से कट गया था। कल सेना ने गांव को जोड़ने के लिए एक पैदल पुल तैयार किया, जिसकी मदद से गांव में फंसे कई लोग इस पार पहुंच पाए हैं। कई गांव में पानी की सप्लाई भी प्रभावित हुई थी, जिसे अब दुरुस्त कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार आज माँ की रसोई योजना की शुरुआत करेंगी। इस योजना के तहत 5 रुपए में गरीबों को भरपेट भोजन दिया जाएगा, जिसमें दाल चावल सब्जी और एक अंडा होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सचिवालय से वर्चुअली इस योजना की शुरुआत करेंगी। देवी दुर्गा पर दिलीप घोष के बयान पर मचे सियासी संग्राम के बीच बीजेपी नेता बचाव में उतर आए हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट ने कहा कि माँ दुर्गा की आराधना के लिए बीजेपी नेताओं को तृणमूल कांग्रेस से सीख लेने की जरूरत नहीं है। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार ने कुछ ऐसा हाल कर रखा था कि साल 2019 में दुर्गा पूजा के विसर्जन के दौरान हाईकोर्ट से इजाजत लेनी पड़ी थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने सरस्वती पूजा को लेकर मेगा प्लान तैयार किया है। हुगली जिले में 125 जगहों पर टीएमसी सरस्वती पूजा का आयोजन कराएगी। साथ ही हुगली में देवी सरस्वती की बड़ी झांकी भी निकाली जाएगी। दरअसल बीजेपी लंबे समय से टीएमसी पर तुष्टिकरण का आरोप लगाती रही है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल कांग्रेस बीजेपी को कोई भी मौका नहीं देना चाहती। तृणमूल कांग्रेस के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा है कि वो चाहते हैं कि चुनावी नतीजे आने पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में ही रहें, ताकि वो उन्हें हरा तिलक लगा सके। कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी पैसों के दम पर नेताओं को खरीद रही है। उन्होंने दावा किया कि ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अभ्युदय निःशुल्क कोचिंग योजना की शुरुआत करेंगे, जिसके तहत छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी फ्री में कर सकेंगे। 16 फरवरी से सभी मंडल स्तर पर ये कोचिंग शुरू होंगी, जिसमें छात्र को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पढ़ाई कराई जाएगी। कुछ समय बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की ये क्लासेज जिला स्तर पर भी शुरू होगी। असम में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। राहुल गांधी ने शिवसागर जिले के शिवनगर बोर्डिंग फील्ड से पार्टी के चुनाव अभियान की शुरुआत की। इस दौरान रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि रिमोट से टेलीविजन चल सकता है, असम नहीं। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि कुछ भी हो जाए, देश में सीएए कभी लागू नहीं होगा। असम सरकार में वित्त मंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल पर तीखा हमला बोला। हेमंत बिस्व शर्मा ने बदरुद्दीन अजमल को असम का दुश्मन बता दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि असम की संस्कृति की रक्षा के लिए वो खुद एक चरमपंथी हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तबीयत अचानक खराब हो गई। सीएम रूपाणी वडोदरा के निजामपुरा में नगर निगम के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, तभी मंच पर चक्कर आने से वो गिर पड़े, जिसके बाद उन्हें वडोदरा से हेलीकॉप्टर के जरिए अहमदाबाद लाया गया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद गुजरात सरकार भी लव जिहाद को लेकर कानून बनाने की तैयारी में है। वडोदरा में स्थानीय निकाय के चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर जो काम हो रहे हैं उसे हम चलने नहीं देंगे और जल्द ही विधानसभा में लव जिहाद को लेकर कानून बनाएंगे। यूपी और एमपी के बाद बीजेपी शासित कई और राज्य भी लव जिहाद पर कानून लाने का ऐलान कर चुके हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन का आज 82वां दिन है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने फिर कृषि कानून वापस न होने तक आंदोलन जारी रखने की बात कही। इसके साथ ही किसान नेताओं ने आंदोलन को तेज करने की रणनीति पर भी चर्चा की।
18 फरवरी को किसान संगठन पहले ही 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी आज बिजनौर और मेरठ का दौरा करेंगी। इस दौरान प्रियंका गांधी किसान महापंचायत में शामिल होंगी और किसान परिवारों से भी मुलाकात करेंगी। बिजनौर के चांदपुर के रामलीला मैदान में प्रियंका गांधी किसान महापंचायत को संबोधित करेंगी, जिसे लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। इससे पहले 10 फरवरी को प्रियंका गांधी ने सहारनपुर के चिलकाना में किसान महापंचायत को संबोधित किया था। देश भर के टोल प्लाजा पर ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम फास्टैग आज रात 12 बजे से अनिवार्य हो जाएगा। जिन लोगों ने अब तक अपनी गाड़ियों पर इसे नहीं लगाया है या जिनकी गाड़ियों पर लगे टैग काम नहीं कर रहे, उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। जुर्माने के तौर पर ग्राहकों को अपने वाहन की कैटेगरी के हिसाब से लगने वाले टोल की दोगुनी रकम देनी पड़ सकती है। फास्टैग लगे वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। सुरक्षा बलों ने जम्मू में बस स्टैंड के पास भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। जम्मू बस स्टैंड से करीब 6.5 किलो विस्फोटक बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलवामा हमले की दूसरी बरसी पर आतंकी बड़े हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन सुरक्षा बलों की चौकसी से ये साजिश नाकाम हो गई। हाल में सुरक्षा बलों ने कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी निशानदेही पर सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया। जम्मू बस स्टैंड विस्फोटक बरामद होने के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक आतंकियों ने सूबे में बड़े धमाके की साजिश रची थी। उनके निशाने पर रघुनाथ मंदिर, लखदत्ता बाजार और जम्मू रेलवे स्टेशन थे। इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चीन और पाकिस्तान के साथ दोनों मोर्चों पर तनाव के बीच भारतीय सेना की ताकत बढ़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के मुख्य युद्धक टैंक अर्जुन मार्क 1A को राष्ट्र को समर्पित किया। तमिलनाडु और केरल के दौरे पर पीएम मोदी ने स्वदेशी अर्जुन टैंक चेन्नई में सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे को सौंपा। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु में एक के बाद एक कई विकास परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाई। पीएम मोदी ने चेन्नई मेट्रो प्रोजेक्ट फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन भी किया। ग्रेटा थनबर्ग टूल किट मामले में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बेंगलुरु से 21 साल की पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि को गिरफ्तार किया है। फ्राइडे फॉर फ्यूचर कैंपेन की संस्थापकों में से एक दिशा रवि को शनिवार को गिरफ्तार किया गया था। 4 फरवरी को दिल्ली पुलिस ने टूल किट को लेकर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। आरोप है कि दिशा रवि ने किसानों से जुड़े टूल किट को एडिट किया और उसमें कुछ चीजें जोड़ी और उसे आगे भेजा। कोर्ट ने दिशा रवि को 5 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध भी शुरू हो गया है। दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद कुछ लोग बेंगलुरु की सड़कों पर उतरे और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए। उधर दिल्ली पुलिस के मुताबिक टूल किट मामले में दिशा रवि ही प्रमुख संदिग्ध है। दिशा ने इसके लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप बनाया और उसने ही टूल किट ग्रेटा थनबर्ग से शेयर किया। इस पूरी प्रक्रिया में सभी खालिस्तानी संगठन पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन से जुड़े थे, जो भारत के खिलाफ साजिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि दिशा रवि से दस्तावेजों के आधार पर पूछताछ की जाएगी। उत्तर प्रदेश के इटावा में पुलिस ने अवैध असलाह की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इटावा के एक दिल थाना की पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मिलकर अवैध असलाह की फैक्ट्री पर धावा बोला। पुलिस के मुताबिक असलाह की अवैध फैक्ट्री में 8 तमंचा, आधी बंदूक, देसी रिवॉल्वर बंदूक, अधबने तमंचे और 20 से ज्यादा जिंदा कारतूस मिले हैं। इसके अलावा अवैध असलाह की फैक्ट्री में तमंचा बनाने का सामान भी मिला है। पुलिस ने यहां से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ करने वाली टीम को 25,000 रुपए इनाम भी दिया गया है। गोरखपुर में पुलिस के हत्थे 2 ऐसे आरोपी चढ़े हैं जिनके निशाने पर मंदिर हुआ करते थे। बड़ी ही सफाई से ये दोनों आरोपी मंदिर में चोरी किया करते थे। दोनों आरोपी मंदिर से भगवान का मुकुट और सोने चांदी का सामान चोरी कर लेते थे। पुलिस के मुताबिक दोनों ने कोतवाली क्षेत्र के रामगढ़ताल क्षेत्र में 2 मंदिरों को निशाना बनाया था, मगर चोरों को अंदाजा नहीं था कि उनकी तस्वीर CCTV में कैद हो गई है। पुलिस ने CCTV की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरी का आभूषण खरीदने वाले सर्राफ को भी गिरफ्तार किया है।
बरेली में एक नाबालिग की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मामला नवाबगंज कोतावली का है। आरोपों के मुताबिक आरोपी लड़की को बहला फुसला कर अपने साथ ले गया था। जाते वक्त लड़की अपने साथ घर के रुपए भी ले गई थी। आरोपों के मुताबिक किसी बात पर रास्ते में आरोपी का लड़की से झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने लड़की का कत्ल कर दिया। आरोपी ने लड़की का शव जंगल में फेंक दिया था, मगर लड़की के घर वालों ने जब आरोपी पर शक जताया तो पुलिस ने पड़ताल की और पुलिस के सामने आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया। पश्चिम बंगाल के हुगली में नवविवाहित प्रेमी युगल की हत्या के बाद भयानक कोहराम मचा। जैसे ही दोनों का शव उनके पैतृक घर पहुंचा, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने आरोपियों के घर में जमकर तोड़फोड़ की और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। लड़की के परिजनों का आरोप है कि लड़की के घर वालों ने दोनों की हत्या की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के एटा में पुलिसकर्मियों ने मुठभेड़ के बाद एक नाबालिग को अपहरणकर्ता के चंगुल से छुड़ा लिया। मामला एटा के थाना रिजोर क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक हसनपुर कुली गांव में 8 साल का एक नाबालिग गायब हो गया था। नाबालिग के परिजनों ने एक शख्स पर अपहरण की आशंका जताई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने 4 टीमें बनाई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। आखिरकार सर्विलांस के जरिए पुलिस को बच्चे की सूचना मिली। पुलिस ने दबिश दी तो आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी। आखिरकार पुलिस ने बच्चे को सकुशल छुड़ाकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के पास से तमंचा और कारतूस जब्त किया है। साल से देश के नंबर वन न्यूज चैनल आज तक ने फिर जीता सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का अवार्ड। फॉर 20th ITA पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर पॉपुलर हिंदी। खबरों की दुनिया में आज तक और इंडिया टुडे ने फिर से अपनी बादशाहत को साबित किया है। 20वें इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में इंडिया टुडे ग्रुप ने फिर से बाजी मारी है। आज तक को 19वीं बार सर्वश्रेष्ठ हिंदी न्यूज चैनल का खिताब मिला है। सबसे तेज चैनल के सबसे तेज दर्शकों को सबसे बड़ा शुक्रिया। मैं मानती हूं कि आज तक को ये अवार्ड 1 करोड़ से ज्यादा वोटों से इसलिए मिला है क्योंकि आज तक ना पक्ष ना विपक्ष हर तरफ की बात आपके आगे रखता है। और आपको ये पसंद आया, इसके लिए हम हमेशा से आपके आभारी हैं। आज तक के सहयोगी चैनल इंडिया टुडे ने भी पॉपुलर इंग्लिश न्यूज चैनल का अवार्ड जीता है। सोने पे सुहागा ये कि इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी को हॉल ऑफ फेम अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आई थैंक द ITA फॉर दिस ऑनर ऑफ पुटिंग मी इन द हॉल ऑफ फेम। टू टेल यू द ट्रूथ, आई हैव नेवर एस्पायर्ड फॉर फेम। आई हैव ऑलवेज प्रेफर्ड टू स्टे इन द बैकग्राउंड। आई हैव डन माय जॉब एज अ जर्नलिस्ट the best way I could. Fortunately, I love news and I love journalists. I am no Amitabh Bachchan or Sachin Tendulkar or Roger Federer, persons with great individual talent. In my line of work, I have always believed that the institution is bigger than any individual. So this honor goes to all of you, the talented people I have worked with.